अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास एट सब्जेक्ट साइंस, 16वां चैप्टर द सेल। इसकी जनरल एक्सरसाइज असी क्वेश्चन नंबर पढ़सा बच्चों चार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट है बच्चों, व्हाई सेल्स कुड नॉट बी ऑब्जर्वड बिफोर 17th सेंचुरी। सेल 17वीं सेंचुरी को पहलियाँ ऑब्जर्व की ना होता सा। इस आंसर है बच्चों कि उस वेले माइक्रोस्कोप अवेलेबल ना सी इस करका। पहले माइक्रोस्कोप के ईजाद होने तो बाद सेल डिस्कवर होता है। सेल्स कुड नॉट बी ऑब्जर्वड बिफोर 17th सेंचुरी बिकॉज माइक्रोस्कोप वॉज नॉट अवेलेबल। सेकेंड पार्ट है बच्चों, वाई कॉरक कुड नॉट बी ऑब्जर्वड एज सच बाई हुक। कॉरक कुड नॉट ऑब्जर्वड एज सच बाई हुक बिकॉज इट वॉज ए सॉलिड स्ट्रक्चर। यह पार्ट है बच्चों, वेयर डिड हुक डिमोन्स्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस का जरा तजर्बा किया सा हुक सुन वो कि जाए किया सा उसकी सा बच्चों रॉयल सोसाइटी लंदन में। नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल की बारह दी लेयर को क्या आखते हैं। बैरूनी लेयर जी है बच्चों उसको आखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेम दी लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सैल। प्लांट सैल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर एक और लेयर होंगी है उसका ना क्या है, उसका ना आ गया बच्चों सैल वाल। ये प्लांट्स बच्चे होंगी एनिमल्स बच्चे नहीं होंगी। वेयर आर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ए सैल। क्रोमोजोम्स सैल के अंदर किड़ी जाई बच्चे होने तो क्रोमोजोम्स होने बच्चों न्यूक्लियस बच्चे, क्योंकि छे पार्ट तुम इसका स्क्रीनशॉट चाहकर कापी तक नोट कर सकते हो। हम आ गया बच्चों सत्तवां पार्ट, नेम द ऑल पार्ट्स दैट हैज टिनी होल्स। एक मिनट बच्चो इसको। नेम द सेल, नेम द सेल पार्ट। सेल द वो ऐसा जिता टिनी होल्स छोटे छोटे सुराख होने बच्चों उसको आते बच्चों सेल मेम्ब्रेन। इन सुराखों में मटीरियल मेम्ब्रेन दे एक तो सत्तवां पार्ट बच्चों, नेम दी सेल पार्ट दैट हैज टिनी होल्स। या आगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को छोटे छोटे सुराख होने। नेम दी सेल ऑर्गेनलीज विच आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल बच्चे किड़िया ऑर्गेनलीज होनी जो एनिमल सेल बच्चे नहीं होनी। वो आगे बच्चों क्लोरोप्लास्ट सेल वाल प्लास्टिड्स एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट सेल बच्चे होने एनिमल सेल बच्चे नहीं होते। नौवां पार्ट है बच्चों, नेम दी सेल्स हैविंग ब्रांचड स्ट्रक्चर। किड़ा सेल है जिसका ब्रांचड स्ट्रक्चर होता है। ये आ गया बच्चों नरो सेल्स आर न्यूरॉन। इसका ब्रांचड स्ट्रक्चर होता है तो उसकी किताबा तो इतना बने रहे। ये देखो बच्चों एक नरो सेल्स है, इसके अंदर ये ब्रांच बनी हुई, ये ब्रांचड स्ट्रक्चर होता है नरो सेल्स दस। बस दसवां पार्ट है बच्चों, विच सेल कैन बी ऑब्जर्वड विद द अनएडेड आई। किस सेल को असी बगैर माइक्रोस्कोप की मदद ना यानी कि अनएडेड आई ना देख सकते हैं। एक पैरामीशियम है, एग सेल ऑफ ए हिन है। या कि बच्चों इस तुसी एक्सरसाइज दे कोई क्वेश्चन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम असी दो और क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम। इसका स्क्रीनशॉट चाहकर तुसी कापी का नोट कर सकते हो।